ओ भाई साहब, क्या व्यू है, क्या व्यू है। गैस अभी भी। तू क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसे लग रहा है कि पिंडी घूम रहा हूँ मैं। हाँ मछली रहा 30। ये गर्म बहुत है। क्या 11,500 लीरा, मतलब के 250 पाउंड। क्या कहना चाहेंगे जी, इस स्कैम में मत फंसिए। और अगर आपके दोस्त स्कैम में जा रहे हो तो उनको रोकिए मत, तो दूर हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई व्लॉग अगेन। और पहला दिन हमारा टर्की में, इस्तांबुल में, और इस जगह का नाम है द पोर्ट होटल। और काफी अच्छा होटल है, ये भी नहीं कि बुरा है, एवरेज है। सो अभी हम रेडी वेडी हो गए हैं और अब हमारा अगला प्लान है टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने का। अब देखते हैं हम किधर जाते हैं। मेरा प्लान है कि हम ब्लू मॉस की सारी मॉस वगैरह आज के दिन कवर करें, रात को क्रूज पे हम डिनर वगैरह करें। लेजी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस वीडियो में, जो मैंने अभी बोला, जो मैंने प्लान किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे जो हुआ, एक स्कैम हुआ, वो मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊंगा। आपको काफी मजा आएगा उस स्टोरी सुनने का। साथ में आपको अपडेट देते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा और मजा आएगा आपको हमारे साथ इस व्लॉग में। सी यू थोड़ी देर में। ले जी ये है जी, हम उठ के आ गए बाहर। लच्ची रहो, क्या किधर जा रहे हो? जी मनतेज सिंह का एक विशेष टिप्पणी करना चाह रहा है। करो जी। यार इनके लिए हम है सोने की खदान। अल्लाह माफ कर, ऐसे नहीं कहते, शुक्र अल्लाह का। लेकिन द थिंग इज कि टर्की सस्ता इतना है, वो इस सेंस में कह रहा है, इसको गलत नहीं लेना प्लीज। बात तो सही है। और तुम क्या कहना चाहोगे? मुझे अपने घर जाना है। कुछ नहीं। ले जी हम अब है हेडिंग टू ब्लू मॉस्क। और यार ये इस्तांबुल देख ले, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पिंडी घूम रहा हूँ मैं। एक ये मस्जिद है यहाँ की, इलाके की। ये रहा जी इस्तांबुल। यार अच्छी टूरिस्ट प्लेस है बाय द वे, लेकिन अभी तो हम सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे है चढ़ाई, तो क्या नाचो भाई? देखते हैं। हाँ मछली रहा 30। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार। यार पाकिस्तान के बाद अब खा रहा हूँ मैं वैसे, बाय द वे लच्छी क्या बनता है, मजे का तो हो लग तो रहा है। अच्छा इनके ये रेट्स है लीरा में, वो 30 लीरा की छोटी, 40 लीरा की। और भाई जान यहाँ पे ना एक चीज भी अच्छी है, गर्म बहुत होते हैं। क्या बंदे बहुत गर्म होते हैं। हाँ? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता। हाँ, ये बंदे लड़ने को पड़ते हैं बाय द वे। हाँ ये बात है फैक्ट। जी कहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे हम, जब भी टिप देनी होती है बीप डाल देना, रब देनी होती है जब लोग आपको खुश कर रहे हैं। As a appreciation, हम उनको टिप देते हैं। इंडिया में इसको भुट्टा कहते हैं, सॉरी इंडिया में इसको भुट्टा कहते हैं, पाकिस्तान में इसको छली कहते हैं। छली कर दूंगा मैं, छली कर दूंगा, खाली कर देंगे, मैं कह रहा हूं खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, मैं कह रहा हूं खाली कर देंगे, खाली कर देंगे। छली हमारे में भी कहते हैं, हमारे में भी कहते हैं। ऑलराइट विल कीप यू अपडेटेड, स्टे ट्यून। अच्छा यार बॉयज सीन आपको बताते हैं, ये जो दरमियान में सारा लगा हुआ है, ये सारा सिर्फ ट्रैम के लिए है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और हम वॉक करके इसलिए जा रहे हैं ताकि हम एक्सप्लोर कर सके साथ। काफी अट्रैक्टिव लगता है बाय द वे। वो एक ट्रैम आ रही है, यू गाइस कैन सी।
हम लोग अभी जा रहे हैं ब्लू मॉस्क। सो कल का प्लान है यहाँ पे आने का। लेट्स सी, एक ये मॉस्क है, इसका नाम है बेयाज़िद मॉस्क। भाईजान मॉस्क बहुत सुनिया ने, अच्छा बहुत सुनिया, काफ़ी फन ट्रिप चल रहा है अभी तक तो। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ब्लू मॉस्क के करीब। क्यों मन तेज? यस अभी भी तू क्यों फेंक रहा? तो क्यों बैग रहा है भाईजान? अभी अब आपको मंजर दिखाते हैं तो मजा आएगा। तू क्यों नहीं बोल रहा? घर जाना है मुझे, घर जाना। बुरा गलाटा तू यार, ये कौन सी है? जिधर जा रहा है उधर चलो। अच्छा यार, ये आपके सामने नजर आ रहा है लेकिन काफी मजे की जगह लग रही है। लुक अच्छा 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 गाइस, बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है इन लोगों ने क्या करना था? क्या करना था भाई? कपड़े ले यार, ऐसे मत करो यार। व्हाट इज दिस? ब्रो सेंसर। नहीं जी, हम दूसरी साइड से आए हैं। अब यहाँ पे वो सामने हाजिया सोफिया मॉस्क और यहाँ पे राइट साइड पे है ब्लू मॉस्क। बस थोड़ा इंतजार और फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है क्या नहीं। हल्के से मनाजर नजर आएंगे। ये टूरिस्ट प्लेस सारे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे प्लान में स्लाइटली चेंज है। वो क्यों? क्योंकि मॉस्क वगैरह बंद हो चुकी थी और हमने काफी कोशिश की वहाँ पे मैनेजमेंट से बहस करने की कि हमें इजाजत मिल जाए अंदर जाने की, व्लॉग करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। लेकिन कोई नहीं, हम कल यहीं से इंशाल्लाह आपको मॉस्क वगैरह दिखाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आगे वीडियो में मैं आपको ब्लू मॉस्क बाहर से दिखा सकूं किसी तरीके से। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीजें है, हैंड क्राफ्टेड, और ये काफी पुरानी लग रही है। और अब हम कोई रेस्टोरेंट है सेवन हिल जो रूफ टॉप है, बहुत ही प्यारा व्यू आएगा उस पर। मैं भी बाहर से मैं आपको दिखाऊं मॉस्क। ये रहा जी, ये काफी फेमस डिशेस होती है। ये रहा जी बाजार। क्या सीन है? हाँ जी, फिर असि आ गए हैं जी इस्तांबुल दी हुन मार्केट च। यार इसकी एंट्रेंस देखो कहाँ से है, ये रहा राइट एंट्रेंस सेवन हिल्स का। आ गया भाई, ये देख लें जी रास्ता बाजार, काफी मजे का व्यू है। टूरिस्ट प्लेस तो बहुत अच्छी है, आप लोग को जरूर आना चाहिए जो आ सकते हैं। ऑफ कोर्स अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं जी रूफ टॉप पे। यार इनके कुछ प्लान ही स्लाइटली चेंज होते रहते हैं, बंदा करे क्या। आपको पहुंच के बताते हैं क्या सीन है क्या नहीं। हेलो बाय। चाह रहे हैं भाई जी, हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया। ओ भाई साहब, क्या व्यू है, क्या व्यू है। लुक ओ मॉस्क, ये पूरा सी व्यू ये। ओ भाई साहब हैवी, भाई साहब व्यू चेक करो। लें जी, हमारा खाना आ गया है और इस खाने के साथ साथ ये व्यू एंजॉय कीजिए। और इस तरफ है जी ब्लू मॉस्क और ये रही ब्लू मॉस्क और दूसरी तरफ हाजिया सोफिया। लें जी, खाना वाना खा लिया हमने, उधर से निकल आए थे और अब हम ये बिल्कुल पास में कोई अरास्ता मार्केट है, इस मार्केट में आए हैं। यार सर्दी मुझे बहुत लग रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा भी कोई जैकेट देखते हैं, इनके पास लगी तो नहीं है, क्या ख्याल है रोहित? देखो कौन सी लेनी चाहिए, इनसे लेके देखते हैं कि हमें कौन सी जैकेट चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक अगेन। भाईजान टर्की में हमारे साथ हुआ स्कैम। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। यार स्कैम हुआ तो है लेकिन मजा भी आया।
लेकिन स्कैम हुआ है भाई, ठीक है। हमने अपना बड़ा माइंड स्ट्रॉन्ग करके आए थे भाई, स्कैमर से बचना, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई टर्की में स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब सीन ये है, स्कैम ही हुआ, मैंने करानी थी सिर्फ हेयर कट, अब मैंने करा लिया जी हेयर कट, जो सीन है ठीक है। उसने कहा जी कितने, मैंने कहा कितने पैसे, कहता जी 500 लीरा। मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या डिस्काउंट मिलेगा, कहता यार आप बैठो मैं कर दूंगा। अच्छा जी, अब डिस्काउंट का क्या होना था, उससे मेरा हेयर कट किया, उससे मेरी बियर्ड को, बस उसने कहा मैं क्लीन करता हूँ ना, मैंने कहा यार मैंने अभी कल कराई है लंदन से तो मुझे ज़रूरत नहीं है। कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं सिर्फ इसको क्लीन करूँगा, दैट्स इट, वो फेड कट के मतलब स्टाइल को मैच करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब हुआ गया, वो कराया उसने, कर दिया प्रॉपर कर दिया फिर उसने। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितना बनेगा, 800-900 लीरा बन जाएगा। अच्छा, अब वो सीन हुआ, उसके बाद उसने कहा जी आप मसाज करा लो। मैंने कहा अच्छा मसाज करा लेते हैं, उसका भी कितना, 300 लीरा और बन जाएगा, 1100 बन जाएगा, ठीक है मैक्स। अब उसका क्या सीन हुआ, मनतेज सिंह अपने तलक लगाते हुए 50 pound सेंड करी, बस हवा निकल गई। सीन ये हुआ है कि उसने किया मसाज, बियर्ड, मेरा हेयर कट, हेयर स्टाइल, बालों पे पता नहीं क्या विटामिन कोई ऑयल लगाया उसका, उसने विटामिन्स का नाम दे के ये भी किया है वो भी किया है, ब्ला 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 जो भी करा के मैंने, और इसका ये मनतेज का। अब सीन क्या हुआ, उसने बिल बनाने की बारी आई है, अब उसने सीन बनाया बिल पे, कहते हैं 11,500 लीरा, मतलब के 250 pound ब्रिटिश पाउंड 250 pound बनता है। हमारे मुंह देखने वाले थे। अच्छा, ये सीन हुआ, हमारे मुंह देखने वाले थे। उसके बाद भाईजान, खैर मेरे पास, रोहित के पास और मनतेज के पास, हमारे पास जितने पैसे थे निकालने खोल के हमने निकाले। रोहित तो बिल्कुल खाली हो गया, मनतेज के पास थोड़े पैसे हैं, मेरे पास रह गए थोड़े, तो कर करा के हमने उनको 10,000 दिया कि ये लो भाई। अब खैर स्कैम तो हो गया, जो हमारे साथ होना था स्कैम हो गया, स्कैम किया उन्होंने हमारे साथ, कर करा के 10,000 में जान छुड़ाई है। अब हम ढूंढ रहे हैं भाई ATM मिले यहाँ पे इंटरनेशनल कोई, ताकि हम अपने पैसे निकलवाएं और फिर से हमारे, अभी पहला दिन और पहले दिन में पहला स्कैम, अब आगे देखते हैं। रोहित भाई क्या कहना चाहेंगे? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है जी। स्कैम में मत फंसिए, और अगर आपके दोस्त स्कैम में जा रहे हो तो उनको रोकिए मत, आप खुद दूर हो जाइए। और दोस्ती खत्म कर, तोड़ दो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये है भाईजान टर्की का स्कैम, बाकी आपको दिखाएंगे। मैं ना इतना वो करा रहा था काम शाम अपने हेयर कट ये वो, तो इतना मैंने कहा यार मैं क्या व्लॉग में दिखाऊं, वो जगह भी कुछ ऐसी थी काफी खौफनाक सी जगह लग रही थी, लेकिन खैर जो होता है बेहतरी करते हैं अल्लाह ताला। लेकिन आई विल शो यू अराउंड इस्तांबुल अगेन फ्रॉम टुमारो।